दिस इज मोहित और आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं केव ड्वेलर्स को मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग मतलब कोई बच्चा जो आज 20s में है, ठीक है, और उसको हम कंपेयर करने वाले हैं केव ड्वेलर्स से। केव ड्वेलर्स मतलब हमारे एंसेस्टर्स जो केव्स में रहा करते थे और हंटिंग करते थे, ठीक है। और यार वीडियो के लास्ट तक हम कुछ पॉइंट्स निकालेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी साइकोलॉजी केव ड्वेलर्स के कंपैरिजन में कितनी कम हो गई है, कितनी वीक हो गई है, और केव ड्वेलर्स थे ना जो, उनकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग हुआ करती थी। ठीक है यार, तो शुरू करते हैं। तो यार पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस इज नथिंग बट अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ ए बॉडी टू अ हॉस्टाइल कंडीशन, ठीक है। जब भी यार हम किसी हॉस्टाइल कंडीशन में होते हैं, किसी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होते हैं या किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, तो हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है जो होता है स्ट्रेस। उसमें यार क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाती हैं जिस वजह से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे डोपामाइन या एड्रेनालिन, और ब्लड ग्लूकोज निकलता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है, और हमारी मसल चार्ज्ड अप हो जाती है, हम रेडी टू एक्ट होते हैं, ठीक है, ताकि हम उस सिचुएशन को फेस कर पाएं और उस सिचुएशन से निकल पाएं, ठीक है। तो बात करते हैं यार केव ड्वेलर्स की। तो केव ड्वेलर्स में क्या होता था यार कि जब वो हंटिंग पे जाते थे या फिर उन्हें कोई प्रेडेटर मिल जाता था, कोई एनिमल मिल जाता था, तो इस वजह से उनकी जान को खतरा होता था, तब उनकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती थी एज अ स्ट्रेस। उनमें स्ट्रेस आता था, उनकी मसल चार्ज अप होती थी, उनमें हार्मोन्स निकलते थे बॉडी में उनकी, और वो उस सिचुएशन को फेस करते थे और उससे बच जाते थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती थी केव ड्वेलर्स की, ठीक है यार। और अब बात करते हैं, अगर हम वही बात करें मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स में, तो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स यार इतनी फास्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आती है जाती है, ठीक है। हम यार सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, यूट्यूब, तो सारी जगह पे हम, हमारे अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है, माइंड में बहुत सारी जाती है, हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फक देते हैं, ठीक है, हर इन्फॉर्मेशन पे ध्यान लगा रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा ब्लंडर है मल्टीटास्किंग का, तो हम मल्टीटास्किंग भी कर रहे होते हैं हमेशा ही, तो इस वजह से यार क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे वाटर की जो लेयर होती है ना, वो हमेशा टेंशन में रहती है, ठीक है, वाटर की जो अपर लेयर होती है हमेशा टेंशन में रहती है, सरफेस टेंशन बोलते हैं उसको, उसी तरह यार हम लोग भी हमेशा एक स्ट्रेस की फॉर्म में रहते हैं। हमारा जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है ना, वो हमेशा ही स्ट्रेस्ड रह रहा है, ठीक है, हम छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो यार इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि जब हम हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं तो हमारी बॉडी में हमेशा ही वो हार्मोन्स निकलते रहते हैं, जैसे एड्रेनालिन हो गया या डोपामाइन हो गया या फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा तेज रहता है थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जब यार प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं तो ये सिचुएशन बॉडी के साथ बनी रहती है, ठीक है, ये हार्मोन्स निकल रहे हैं बॉडी में और ये ब्लड ग्लूकोज निकल रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर तेज हो रहा है, तो इस वजह से यार खुद ही सोचो, अगर बॉडी में प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस रहेगा और ये सब चीज़ें बहुत दिनों तक होता रहेगा, तो हमारी बॉडी जो है ना वो बायोलॉजिकली वीक हो जाएगी, साइकोलॉजिकली वीक हो जाएगी। जो हमारी बॉडी है ना, वो कभी कभी स्ट्रेस लेने के लिए बनी है, कभी स्ट्रेस लो तो हमारी बॉडी रेडी टू एक्ट है, ठीक है, हम चार्ज अप होते हैं, लेकिन अगर हम हमेशा ही उस फॉर्म में बने रहेंगे तो हमारी बॉडी वीक तो होनी है, हमारी बॉडी साइकोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली वीक तो होनी है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई रियल सिचुएशन आता है, ठीक है यार, जब भी कोई रियल सिचुएशन आता है, रियल डेंजरस सिचुएशन आती है या रियल हॉस्टाइल सिचुएशन आती है, तब हम एक्ट नहीं कर पाते। जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसकी स्पीड स्लो हो गई होती है, वो एक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो गया होता है एज कम्पेयर टू हमारे एंसेस्टर्स से। स्ट्रेस पे बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और कुछ हॉस्पिटल्स में रिसर्च हुई है, और रिसर्च में ये पता चलता है कि जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है ना, पैथोजन जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया या कोई वायरस हो गया, तो जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन जाता है तो उस बॉडी में जब पैथोजन चला जाता है तो वहाँ पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करता है तो एंटीबॉडीज निकालता है, उस एंटीबॉडीज से पैथोजन भी डैमेज होते हैं और हमारे कुछ हेल्दी सेल्स भी डैमेज होते हैं, ठीक है। अब यार रिसर्च में ये पता चला कि जब हम स्ट्रेस लेते हैं या प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना वो स्ट्रेस को भी उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे वो किसी पैथोजन से करता है। तो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि हमारे गुड सेल्स को डैमेज पहुंचाती हैं, ठीक है। इसका प्रॉब्लम क्या है यार, प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, इंसोमनिया होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं,
एजिंग जल्दी होती है, प्री मैच्योर एजिंग होती है, ठीक है, हमारे जो सेल्स की कैपेसिटी होती है ना रीजनरेट करने की, तो हमारे सेल्स की रीजनरेट करने की कैपेसिटी कम हो गई होती है ड्यू टू स्ट्रेस, प्री मैच्योर एजिंग हो रही होती है ड्यू टू स्ट्रेस, ठीक है। तो ये बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और जो हमें डिफरेंशिएट करती हैं एक केव ड्वेलर से और मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में। तो यार ये कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई केव ड्वेलर्स होते थे वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्स्ड रहते थे, ठीक है, स्ट्रेस्ड नहीं रहते थे, हम ऑल ऑफ द टाइम स्ट्रेस्ड रह रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेकंड है, जब हॉस्टाइल सिचुएशन आती थी केव ड्वेलर्स की, किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती थी तो उनकी बॉडी बड़ी इफिशियंटली रिएक्ट करती थी, हमारी बॉडी जो है आजकल के मॉडर्न ह्यूमन बींग की जो बॉडी है वो इफिशियंटली रिएक्ट नहीं कर पाती है हॉस्टाइल सिचुएशन को, ठीक है। हम यार एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं या कोई 20s का लड़का है, मॉडर्न ह्यूमन बींग है, अगर वो पढ़ रहा है और कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो वो कंपेल्ड होता है, साइकोलॉजिकली कंपेल्ड होता है कि भाई पहले मैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया है तो पहले मैं व्हाट्सएप देखूंगा उसके बाद पढ़ूंगा, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ा उसके बाद हम ट्विटर चेक कर रहे हैं, फिर 5 मिनट पढ़ा फिर हम फेसबुक चेक कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक काम ढंग से कर ही नहीं पा रहे हैं, हमारा फोकस ही नहीं बन रहा है, फ्लो नहीं बन रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग कर रहे हैं लेकिन बेसिकली हम अपने फ्लो को तोड़ रहे हैं और अपनी साइकोलॉजी को ना वीक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के साथ और यही डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं कि साइकोलॉजी हमारी जो है ना इतनी वीक क्यों होती चली जा रही है। जब किसी केव ड्वेलर के सामने कोई प्रेडेटर आता था जिस तरह से उसकी बॉडी तब रेस्पॉन्ड करती थी ना, आजकल हमारा अगर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन या फेसबुक का नोटिफिकेशन आ जा रहा है तभी हमारी बॉडी उस तरह से रेस्पॉन्ड करने लग जा रही है क्योंकि हमने उसकी आदत डाल दी है, ठीक है, हमने उसकी आदत डाल दी, हम एडिक्टेड हो गए उस चीज़ के। तो वहाँ पे रियल थ्रेट्स होते थे जहाँ पे उनकी लाइफ जा सकती थी, आजकल तो रियल थ्रेट्स है ही नहीं और जो व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन है उसको हम रियल थ्रेट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी डिसीजेज होती हैं, प्री मैच्योर एजिंग होती है, ठीक है यार, और हमारा रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम बहुत स्लो हो जाते हैं, ठीक है यार। तो मल्टीटास्किंग भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है ये मॉडर्न ह्यूमन बींग्स में, इस पर कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स और रिसर्चेस रखेंगे सामने, ठीक है यार, और इस चीज़ के सॉल्यूशंस की हम डिटेल में बात करेंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन अगर शॉर्ट में सॉल्यूशंस बताऊं तो इसके सॉल्यूशंस यही हैं कि नेचर से कनेक्टेड रहना है, माइंडफुल रहना है, ठीक है यार, अच्छी बुक्स पढ़ो और जब आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे आपको सॉल्यूशन मिलेंगे अच्छे अच्छे और आप इन एडिक्शन से दूर रह पाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात माइंडफुल रहना है, नेचर से कनेक्टेड रहना है, अगर आप नेचर से कनेक्टेड रहते हैं और माइंडफुली हर किसी को काम करते हैं, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक चलाइए, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। मल्टीटास्किंग सोचते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, वो नहीं करनी है, वो बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो ठीक है यार, आज की वीडियो में इतना ही और आगे मिलते हैं और वीडियोस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी डिस्कशन हो या कुछ भी ऐड करना हो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप लिख दो, आराम से डिस्कस करेंगे हम लोग बैठ के वहाँ पे, ठीक है यार, तब तक चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे, बाय।